5 अगस्त को, 5 अगस्त को एक और ऐतिहासिक फैसला हो गया। रेवाड़ी की हरियाणा की वीर भूमि से ये भी मांग निरंतर उठती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों में दम नहीं था। पांच अगस्त को क्या हुआ, 5 अगस्त को क्या हुआ, 5 अगस्त को क्या हुआ, 5 अगस्त को क्या हुआ, 370 पैंती से चली गई। कांग्रेस की सरकारें आतंकवादियों और उग्रवादियों की धमकियों के सामने कांपती थी, डरती थी। उनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बेटियां, वहां रहने वाले दलित समाज के लोग, देश भर के हमारे वीर जवानों को, वीर माताओं की उनको जरा भी चिंता नहीं थी। दिल्ली में बैठी हुई सरकार कांग्रेस की और ऐसे ही उनके साथीदारों की, वो सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता में लगे थे, कश्मीर की चिंता उनको थी नहीं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए दोस्तों, कश्मीर की तरफ नजर करोगे, एक एक मोड़ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली की बैठी हुई सरकार ने कश्मीर के लोगों के साथ कैसा कैसा धोखा किया है, देश के करोड़ों लोगों के साथ कैसा धोखा किया है, देश के लिए शहीद होने वाले वीरों की माताओं के साथ कैसा धोखा किया है। 1947 में देश आजाद हुआ, अभी तो आजादी का जश्न मनाना बाकी था, और उसी समय दिल्ली की सरकार में दम नहीं है इसका हिसाब लगा करके अभी तो नया नया पैदा हुआ पाकिस्तान, इतना छोटा पाकिस्तान, उसने कबाइलों को भेजा और कश्मीर का कुछ हिस्सा हमसे छीन लिया, कब्जा कर लिया। ये तो अच्छा हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की हिम्मत थी कि बाकी बच गया। देश को अंधेरे में रखा गया। भाइयों बहनों, उसके बाद क्या किया, भारत का संविधान बना, हिंदुस्तान में कई राजे रजवाड़े जुड़ गए, जम्मू कश्मीर के भी राजे रजवाड़े जुड़ गए, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में, पता नहीं किसकी भलाई में, पता नहीं किस वीकनेस के कारण रातों रात भारत के संविधान जो हिंदुस्तान में तो लागू हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 टेम्पररी करके लटका दिया गया। देश को अंधेरे में रखा गया, और जब देश ने मांग की, ये आज की मांग नहीं थी, देश पहले दिन से मांग कर रहा था, देशभक्त आवाज उठा रहे थे, देशभक्त लड़ाई लड़ते थे, तब पार्लियामेंट में कहा जाता था ये तो टेम्पररी है, घिसते घिसते घिस जाएगी, ऐसे वादे करते थे। 1964 में पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बहस छिड़ पड़ी,
देश के गणमान्य नेता पार्लियामेंट में गुस्सा कर बैठे, पूरा विरोध विपक्ष लामदम हो गया, कांग्रेस में भी डिवीजन हो गया, मांग उठी कि धारा 370 हटाओ, पार्लियामेंट में बहस हो। और उस समय कांग्रेस के नेताओं ने हाथ जोड़ करके कहा था, आपकी मांग मान ली जाएगी, एक साल के भीतर भीतर 370 हटा दी जाएगी। ये पार्लियामेंट में उपलब्ध है सारी चीजें। 1964 में कहा था, लेकिन फिर मामला डिब्बे में बंद। क्या मजबूरी थी, क्या खेल चल रहा था? दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के सरदार, कांग्रेस के उस समय के नेता किससे डरे हुए थे, कहां बिके हुए थे, ये सवाल देश के मन में उठता है। भाइयों बहनों, दिल्ली कुछ नहीं कर पाया, पार्लियामेंट में वादा किया था, निभाया नहीं गया। उसके बाद वहां और ताकत मिल गई और उन्होंने पहला काम क्या किया, कश्मीर सामाजिक सद्भावना का एक बहुत अच्छा उदाहरण था, भाईचारे का अच्छा उदाहरण था, सद्भावना का एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र था। वहां बौद्ध थे, वहां हिंदू थे, वहां सिख थे, वहां जैन थे, वहां शिया थे, वहां सुन्नी थे, वहां गुजर बकरवाल थे, वहां पहाड़ी थे, भांति भांति के अनेक समाज इतने सुख चैन की जिंदगी जीते थे। षड्यंत्रकारियों ने पहला काम किया, कश्मीर की जो ये महान परंपरा है उसके जड़ में सूफी फिलॉसफी है, सूफी तत्व ज्ञान है, और इसलिए अतिवादी लोगों ने दुश्मन देश के इशारे पर और दिल्ली सरकार की नाकामी के बदते उन्होंने सबसे पहला काम किया, कश्मीर की जड़ें, कश्मीर की जो ताकत थी, उस सूफी परंपरा को खत्म करने का एक के बाद एक कदम उठाया। सद्भावना की उस धरती पर, भाईचारे की उस धरती पर सूफी परंपरा के अंदर जहर घोल दिया गया, दिनों दिन सूफी परंपरा को मारते चले गए। और दिल्ली वालों को, एक ही परिवार को संभाल लो, उसके पिताजी को संभालो, उनके बेटे को संभालो, बेटे के बेटे को संभालो, उन्हीं की सेवा करते रहो, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार कश्मीर के एक ही परिवार की सेवा करते रही, बाद में दो परिवार की सेवा करते रहे, और वे कीमत मांगते रहे। और दिल्ली सोच रही थी कि ये परिवार संभाल लिया मतलब कश्मीर संभल जाएगा, इस परिवार का भला कर लो कश्मीर का भला हो जाएगा, इस परिवार की नाजायज मांगे मांग लो कश्मीर का हल सुल हो जाएगा। इसी मानसिकता से वहां कोई राजनीतिक दल को पनपने नहीं दिया गया, कोई राष्ट्रीय राजनीति वहां होने नहीं दी गई, वहां की इस अलगाववादी विचार को पोषने वाली राजनीतिक दलों को ही बल दिया गया। भाइयों बहनों, वो परिवार आपके हुए नहीं, कश्मीर में एकता की आवाज उठी नहीं, अलगाववाद बढ़ता चला गया, उनकी ताकत बढ़ती गई, दिल्ली दुर्बल होता चला गया, तो उन्होंने हमला बोल दिया। कश्मीर घाटी में रहने वाले 4 लाख कश्मीरी पंडितों पर, 4 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से हटा दिया गया, घरों को आग लगा दी गई, बेटियों पर बलात्कार किए गए, लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए। और दिल्ली में बैठी हुई सरकार आंख बंद कर करके देश को झूठे वादे देती रह गई।